आजम क्षेत्र में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी से दो प्रत्याशी हैं सुरभि गर्ग उनके लिए आए हैं और यहाँ से अरुण जी हैं जिनका पार्षद के लिए हैं जिनका निशान है धनुषबाण। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ज्यादा मतों से इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और जो टिकट दी है बड़ी अच्छी दी है, शिक्षित हैं, समझदार हैं और कुछ करने का कैथल के लिए जज्बा है और कैथल के विकास के लिए मैं सभी कैथल वाले से ये विनम्र अनुरोध करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और कैथल का विकास कराएं। जिस तरह से इंडिविजुअल चेयरपर्सन की जो सीट है वो आपकी बार इंडिविजुअल चुनाव होगा, क्योंकि अगर मैं कैथल की बात करूं तो पिछली बार पूरे 5 साल कुर्सी के लिए खींचतान चली, तो जो ये इंडिविजुअल फैसला सरकार के द्वारा लिया गया किस तरह का है? बड़ा अच्छा फैसला था, इसमें जो भी बनता है तो बड़े स्वतंत्र तरीके से ये कार्य कर सकता है अपने। और जब तोड़ मोड़ की राजनीति होती है, जो गठजोड़ की होती है, उसमें हमेशा एक मुश्किल में रहता है, इसलिए ये बड़ा अच्छा ये फैसला है। जो चेयरमैन पद के लिए जो सीधा डायरेक्ट चुनाव, वो बड़ा अच्छा फैसला है, कहीं ना कहीं विकास का पहिया घूमेगा। बिल्कुल घूमेगा। तो एक और बात है कि अब की बार जो पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं वो सामने आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और हरियाणा पूरे देश की राजनीति में, खासकर हरियाणा में तो वैसे भी लोग बड़े जागरूक और समझदार हैं। और एक जो नई चीज़ आई है ये कि युवा ज़्यादा राजनीति में आगे आए हैं और शिक्षित आए हैं, कुछ करने का जज्बा लेके आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ता है उनके अंदर एक देश प्रेम की भावना भी कुट कुट के भरी होती है, उनका मन में रहता है कि हमें देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। बात करते हैं युवाओं की रोजगार की, क्योंकि अब अगस्त में जो भर्तियों की तैयारियां कर रहे थे आर्मी की भर्तियों की, उन्होंने विरोध भी किए, प्रदर्शन भी किए, लेकिन अब सरकार ने एक बंपर भर्ती अगस्त से शुरू हो रही है जो वो निकाली है। किस तरह का मैसेज है जो भर्ती की तैयारी कर रहे उनको देना चाहेंगे और क्या अन्य मैसेज देना चाहेंगे? देखिए पिछला कुछ टाइम पूरे दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल भरा था, कोरोना काल थे जो 2 साल, उसमें तो लोग बहुतों ने अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने यार दोस्तों, बहुत लोगों ने कुछ न कुछ हानि हुई है और वो बड़ा बुरा टाइम था, उससे निकले हैं। और अभी भर्ती की जो प्रक्रिया दोबारा स्टार्ट होंगी और 10 लाख रोजगार की जो बात है बड़ी अच्छी है, और इसमें एक उत्साह भी है। और एक नई चीज आई है कि आर्मी में अग्निवीर करके नाम से एक अभी भर्ती स्टार्ट होगी, जो युवाओं के लिए 4 साल के लिए भर्ती होगी, वो अलग अलग मापदंड है उसके, और ये अच्छी बात है। और ये देश को आगे बढ़ाने में, युवाओं को आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। कहीं ना कहीं बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा। देखिए हमें खुद भी कुछ करना है, बेरोजगारी बड़ी समस्या, मैं बिल्कुल मानता हूँ पूरे देश की, और ये आज से नहीं, देश जब से आजाद हुआ तभी से है ये कोई ये नहीं है कि अभी साल 2 साल की बात है। आप खुद देखिए कि 1947 में आजाद हुए थे, उसके बाद आज तक हम एक ही चीज से लड़ते हैं कि गरीबी हटाओ, पर गरीबी हटी नहीं, कोई नेता बने, उन्होंने अपने घर भरे हैं। इसलिए ये मानना है कि जो समस्या है उसका जड़ से विनाश होना चाहिए, और ये बीमारी बड़ी गहरी है, धीरे धीरे जाएगी। और मेरा मानना है कि आने वाले टाइम बड़ा हिंदुस्तान का होगा, हिंदुस्तान के युवाओं का होगा, और बड़ा खुशहाल होगा। जिस तरह से स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, कहीं ना कहीं भाजपा ये कैथल का जोरना ये ले जाएगी। देखिए बिल्कुल, और हरियाणा में जहाँ भी चुनाव है तकरीबन जगह भारतीय जनता पार्टी बड़े ज्यादा मतों से विजय होगी।